एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर गुड एंडिंग वेल। तो आज की जो वीडियो होने वाला है ना, वो मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं बस 3 प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, मात्र 3 प्रोडक्ट यूज़ करूँगी मेकअप करने के लिए। तो अगर आप टीनेजर हो, या आप किसी बर्थडे पार्टी या फंक्शन, छोटे से फंक्शन में अगर आप जल्दी जल्दी मेकअप करना चाहते हो ना, तो बस इन 3 प्रोडक्ट का यूज़ करके बहुत ही अच्छा मेकअप कर सकते हो। तो इन तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे इंस्टा फॉलो करना चाहते हो गाइस, तो यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा लिंक, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले अपने फेस पर, जैसे आप स्किन केयर भी कर रहे हो या आप मेकअप कर रहे हो, तो पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो मैंने ऑलरेडी फेस वॉश से वॉश कर रखा है। आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो जो आप यूज़ करते हो डेली बेसिस पे। फिर उसके बाद मैं मेकअप के लिए, जैसे मैंने सस्ता वाला मेकअप कर रही हूँ, सस्ता वाला नहीं मतलब 3 प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो इसके हिसाब से मैं स्किन केयर करूँगी। और हाँ, ये स्किन केयर में आता है गाइस, तो आप ये मत कहना कि आपने तो इतने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, आपने तो ये किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अपने पहले स्किन को प्रिपेयर करते हैं मेकअप के लिए। तो मैं पहले स्किन केयर करूँगी, और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी टोनर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे गुलाब जल लिया है, तो मैं गुलाब जल यूज़ करूँगी पहले। ऐसे मैंने हाथ पे लिया है, मैं चाहती तो कॉटन पे भी ले सकती थी, बट तो मुझे कॉटन सही नहीं लगता है, कि कॉटन ही पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई मतलब नहीं रहता है उसका। तो मैंने हाथ से ही ऐसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो। अपने लिप्स पे भी आप कोई मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ कर सकते हो, या तो आप लिप बाम यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले से ही लिप बाम यूज़ कर लिया, तो मैं कुछ यूज़ नहीं करूँगी। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे, ये है एक मॉइस्चराइजर क्रीम, जो मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। गाइज, आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम हो, आप वो अप्लाई करो, या तो आप फेस सीरम भी अप्लाई कर सकते हो। मैं फेस सीरम में गर्मियों में फेस सीरम नहीं अप्लाई करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोई फेस सीरम अप्लाई नहीं किया है। ये सिंपल सा मॉइस्चराइजर क्रीम है, और ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखना कि गर्मियों में ना मतलब थोड़ा ऑयली कम हो, नहीं तो और स्वेटिंग होने लगती है। तो मैंने ये अप्लाई कर लिया है, और एक स्टेप और है, एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे कोई भी प्राइमर का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो मैं एज अ प्राइमर, मतलब एज अ प्राइमर नहीं, ये भी स्किन केयर में आता है, तो मैं इसको भी अप्लाई करूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी, बस इतना अप्लाई करूँगी। नेक पर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम नेक पर भी मेकअप करते हैं, क्योंकि ऑड एंड इवन ना लगे आपका फेस और नेक, इसलिए। अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, मतलब कि 2 से 3 मिनट, थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए। अब देख सो, थोड़ा ऑयली ऑयली सा लग रहा है, तो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर हम इसके बाद मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, 2 से 3 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हो अब ऑयली नहीं लग रहा है, एब्जॉर्ब हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे, जो होने वाला है 3 प्रोडक्ट मेकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है, वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन या बेबी क्रीम या सीसी क्रीम, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ किया है। इसको मैं सबसे पहले अपने हाथ पर थोड़ा सा निकालूंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने अपने वैसे हैंड पे ले लिया है, आप देख सकते हो। सो ये मैंने ले लिया है अपने हाथ पर। अब हम इसे अप्लाई करेंगे ऐसे। अगर इस तरह अप्लाई करते हैं ना, तो सारा अच्छी तरह से पूरे फेस पे इक्वली अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैं अपना डार्क सर्कल हाइड करूँगी, ऐसे नेक पर भी अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि नेक पर भी मेकअप जरूरी है भाई, ऑड एंड इवन ना लगे इसलिए। और बहुत ही सही मेकअप होगा, आप इसे कहीं भी करके जा सकते हो। अगर आप बहुत जल्दी में हो, ज़्यादा आपको तामझाम नहीं करना है, तो आप ये कर लेना, बहुत ही सही लगेगा। आप देखना फाइनल लुक कितना ज़्यादा सही आएगा। ठीक है, मैंने ब्लेंडर इसे थोड़ा सा पानी में डिप कर लिया था, थोड़ा सा ये गीला गीला सा है, तो अब मैं इससे अच्छी तरह से डैब डैब करके, आपको ऐसे ड्रैग नहीं करना, आपको डैब डैब करके ही करना। ऐसे क्या होगा ना, इक्वली अंदर की तरफ अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। और नेक पे थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, ऐसे ड्रैग करके फिर आप ऐसे हल्का सा
स्प्रेड कर दो पूरे चारों तरफ, अच्छी तरह से फैला दो। थोड़ा सा फिर अपने आईज के ऊपर भी अप्लाई कर लिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी कंसीलर अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, और ये जो फाउंडेशन है बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अपने डार्क सर्कल को छुपाने के लिए अप्लाई कर लिया है ये फाउंडेशन है जब से। तो आप देख सकते हो पहले मेरा फेस क्या था, अब मेरा फेस क्या है। आते हैं सेकेंड प्रोडक्ट पे, ये है शुगर का। शुगर या कोई भी आपके पास कुछ भी हो, बस मस्कारा होना चाहिए, तो ये है एक मस्कारा, इसका हम यूज़ करेंगे। ये है मेरा सेकेंड प्रोडक्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने आईब्रोज अपने मस्कारा से बना लिया है, अब मैं इस स्पूली की हेल्प से थोड़ा सा इसको सेट करूंगी। देख सकते हो कितना सही लग रहा है। अब मैं इसी मस्कारा को एज मस्कारा यूज करूंगी। गाइस मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, अब देख सकते हो। आते हैं अब थर्ड प्रोडक्ट पे, वो है ये लैक्मी का है, ये मैट माउस लिप एंड चिक कलर। तो आप इसे लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, चिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, और एक जगह और अप्लाई कर सकते हो जो मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपने चिक्स पर अप्लाई कर लेती हूँ इसको एज अ ब्लशर, चीन पे भी करूंगी हल्का सा, और हल्का सा नोज पे, थोड़ा तो ज्यादा करेंगे। मैं ब्लेंड करूंगी। सो आप देख सकते हो, तो एज अ आई शैडो इसे यूज कर लिया, अब मैं इसे यूज करूंगी एज अ लिपस्टिक। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगे हो, और शेयर जरूर कर दो अपने फैमिली फ्रेंड्स या किसी के साथ भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू।